हम लोग ना अक्सर हेयर को रिमूव करने के लिए, आई मीन अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए ना बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट या फिर वैक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि हम लोगों को पार्लर जाना पड़ता है। और साथ ही साथ ना बहुत सारे ऐसे जो चीज़ होते हैं ना कि फेस में लगाते हैं वैक्सिंग वगैरह तो काम नहीं करते हैं, क्योंकि फेस का जो स्किन है बहुत पतला होता है, जिसकी वजह से ना फेस में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं बहुत ज़्यादा केमिकल को यूज़ करने से। तो आज मैं आपको होम रेमेडी ऐसे बताने वाली हूँ ना जिससे आपके अनवांटेड हेयर भी रिमूव हो जाएंगे और साथ ही साथ ना आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स वगैरह जो है ना वो भी बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हम लोग एक बोल ले लेंगे और उसके साथ एक स्पून भी ले लेंगे जो कि साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इस तरीके से लेने के बाद ना अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे वन बाय वन सारे इंग्रेडिएंट्स को। तो सबसे पहले ऐड करना है चावल का आटा। जी हाँ, जिससे आप चपाती वगैरह बनाते हो ना, जस्ट वही चावल का आटा आपको ले लेना है। या फिर अगर आपके पास गेहूं का आटा है तो गेहूं का आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आटा चलेगा। तो वो हम लोग ले लेंगे। वो लेने के बाद इसमें हम लोग अब ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, जैसे कि मैंने आटा यूज़ किया है तो 1 टेबल स्पून हम लोग इसमें ऐड करेंगे बेसन। वही बेसन जिसे हम लोग पकोड़े वगैरह बनाते हैं ना, तो वही बेसन का इस्तेमाल करेंगे। जितनी क्वांटिटी में आटा लिया है उतनी क्वांटिटी में जस्ट हम लोगों को बेसन ले लेना है और इसे अच्छे से हम लोगों को मिक्सअप कर देना है। तो किससे मिक्स हम लोग करेंगे, दूध ले लेना है, कच्चे दूध ले ले, या फिर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप ना इसकी जगह में ठंडे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वो भी नहीं है तो आप इसकी जगह में ना गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़ वाटर का। अब इसे अच्छे से मिक्सअप कर देना है। इसका एक हम लोग अच्छा सा पेस्ट बना करके रेडी करेंगे। ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, अच्छा सा। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद ना इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना इस तरीके से होनी चाहिए। अब हाथ में हम लोगों को कैसे लगाना है, आई मीन हाथ में मैं दिखा रही हूँ, आप अपने मोच में, आई मीन अपर लिप्स में, अपने फेस में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हेयर जिस डायरेक्शन में ग्रो होता है ना, जस्ट उसी डायरेक्शन में हम लोगों को लगा लेना है। और ये याद रखिएगा कि आपको थोड़ा सा ये जो पेस्ट है ना, थोड़ा सा मोटा लेयर इसका लगाना है, एकदम पतला थिन सा नहीं लगाना है, थोड़ा सा थिक होना चाहिए तभी ये बहुत जल्दी अच्छे से वर्क करेगा। तो इस तरीके से लगा लीजिए और आप देखेंगे ना 2 से 3 बार के इस्तेमाल से ना आपका जो हेयर है वो बिल्कुल भी रिमूव हो जाएगा। हफ्ते में इसे 2 बार इस्तेमाल करें और देखेंगे आपका जो अनवांटेड हेयर है ना वो बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाता है। तो इसे मैंने बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। अब इसे 15 से 20 मिनट मैं जस्ट ऐसे ही छोड़ देने वाली हूँ जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए। तो देखिए अब जो है ये लगभग बहुत ही अच्छे से सूख गया है। अब इसे रिमूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। लगाया था हम लोगों ने हेयर ग्रो वाले डायरेक्शन में, बट इसे निकालना है, रिमूव करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस तरीके से घस घस करके निकालिएगा और ये याद रहे अच्छे से ड्राई होने के बाद ही कीजिएगा, इसे रिमूव कीजिएगा, तभी ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ये जो रेमेडीज़ है ना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट तहे दिल से करती हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, तभी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सब्सक्राइब से, लाइक से और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलते हैं और मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ सकूंगी। तो देखिए इस तरीके से रिमूव कर दीजिएगा, पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जब अच्छे से रिमूव हो जाए ना तो इसके ऊपर में आप कोई भी मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये हफ्ते में 2 बार ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आज का रेमेडीज़ बहुत ही आप लोगों को पसंद आया होगा हमेशा की तरह। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेमेडीज़ या स्किन केयर के साथ या फिर किचन एंड होम टिप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। और प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।